Click here to subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of our free videos. Hello students. पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी हिस्ट्री विषय की तैयारी की और हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाए आपसे डिस्कस किया था। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हिस्ट्री से आप अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को लेकर अन्य विषयों के अध्ययन में भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये कई कई दिशा में जाएगी। एक तरफ आप मॉडर्न हिस्ट्री से जब कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री पर आएंगे, समकालीन भारत के इतिहास पर, तो वहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करने का आपके पास काफ़ी समय होगा। वहाँ आप समकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन करने के क्रम में आप भारत में संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को समझ सकते, आप उसके माध्यम से इंडिया एंड द वर्ल्ड के बेसिक्स को समझ सकते, फाउंडेशन को समझ सकते, क्योंकि इनिशियली भारत की विदेश नीति के जो चार दशक हैं वो समकालीन भारत के इतिहास में आपका कवर्ड हो जाए। तीसरी तरफ आपकी जाती है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्योंकि यह वही समय है जब भारत को आज़ादी मिली और भारत का जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, बिना उसकी समझ के आज के आप नव उदारवादी आर्थिक नीति को नहीं समझ सकते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरी चीज बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक यक्ष प्रश्न है कि लोग अपने आसपास अन्य लोगों को मरते देखते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता कि हम अमर हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इसे अपने पर लागू नहीं करते। सिविल सर्विसेज एग्जाम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें लाखों बच्चे शरीक होते और देयर आर सो मेनी मिसेस एंड वेरी फ्यू हिट, लेकिन वो ऐसा समझते कि पता नहीं ये बाकी बच्चों पर घटित हो रहा है, हम तो खुद इमोर्टल हैं, हम खुद निकल जाएंगे। लेकिन पहले यह गौर करने की जरूरत है कि तैयारी में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी जिस कारण से हमारा टारगेट मिस हो रहा है। अब देखिए विषय को ही ले, अब इतिहास के ही खंड को लेते हैं। ये आपको ऑप्शनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें या जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों का फाउंडेशन और बेसिक्स पढ़ने का तरीका आपका एक ही होगा, क्योंकि दोनों में इक्वली जरूरत होगी आपके फाउंडेशन को समझना। आप समझ सकते हो कि जो मुख्य परीक्षा इतिहास का प्रश्न है एक वैकल्पिक विषय के रूप में, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक कोई स्टेटमेंट होगा उसको आपको उन पूरे कंटेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप जनरल स्टडीज़ को देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, पता नहीं जनरल स्टडीज़ में एग्जामिनर के साथ क्या विडंबना है कि वो बाकी जनरल स्टडीज़ के जितने भी सेगमेंट्स हैं उसको ग्रेजुअली 2013 के बाद आप देखेंगे 2015 ऑनवर्ड्स उसको स्लाइटली उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। परंतु हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ एक समस्या ये है, सॉरी हिस्ट्री जनरल स्टडीज पार्ट का, कि आप अगर फर्स्ट पेपर जीएस पार्ट में देखेंगे तो आपको 100 मार्क्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और हिस्ट्री के पार्ट का स्टैंडर्ड वो बना के रखा, और यही वजह है कि वहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों को लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है दे आर एज गुड एंड एज मच स्टैंडर्ड एज यू कैन फाइंड इन द ऑप्शनल पेपर। अब मैं एक दो तीन एग्जाम्पल के जरिए से स्पष्ट करना चाहूँगा। आप 2013 के क्वेश्चन को ही ले, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा कि डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब कोई बच्चा अगर डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था उसमें केवल लिखता हुआ चला गया कि डलहौजी ने ये सुधार किए, डलहौजी ने वे सुधार किए, डलहौजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के डेवलपमेंट में अमुक कदम उठाए, रेलवे के डेवलपमेंट का, टेलीग्राफ के डेवलपमेंट, बाकी वो वहाँ से बढ़ता हुआ पोस्टल डिपार्टमेंट, हर कुछ सुधारों को बताता चला जाएगा, परंतु वहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग हो जाएगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि वो डलहौजी को कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। मैं अभी आपको एक डायग्राम बताने जा रहा हूँ, वो डायग्राम में आपकी जो डलहौजी के विषय में जो आपकी धारणा है वो शीशे की तरफ साफ हो जाएगी, क्योंकि डलहौजी ने जो सुधार किए वो एक पक्ष है, लेकिन डलहौजी के सुधारों का जो औपनिवेशिक हित है वो दूसरा पक्ष है। अगर कोई उसके औपनिवेशिक हित को मेंशन ना करे तो डेफिनेटली वो उत्तर अधूरा रह जाएगा। उसी प्रकार से मैंने 2013 में आप देखेंगे तो जय जवान जय किसान नारे
के महत्व और उसके क्रियान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या उसके बाद खैर बांग्लादेश वॉर वगैरह पर है, लेकिन हाँ हरित क्रांति पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने जय जवान जय किसान के बारे में आपको बताया, उसी प्रकार से विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन है उसके महत्व और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का भी आलोचनात्मक परीक्षण पूछा है। ये जो ये सब क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बिना समग्र दृष्टि के संभव नहीं होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि हम समग्र दृष्टि कैसे डेवलप करें। जैसे देखोगे आप कि मॉडर्न हिस्ट्री में प्रायः बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई भी एक बुक उठाते हैं, आपको कोई रिकमेंड करेंगे कि भाई आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़िए, या आपको बताएंगे शेखर बंदोपाध्याय की बुक पढ़िए, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, तो उसमें नॉर्मली आप यह देखेंगे कि बच्चे एक बुक परचेज करते हैं, उन्होंने पहला चैप्टर खोला, पहला चैप्टर उनको मिला भाई कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, वहाँ से होते हुए सीधा रॉबर्ट क्लाइव से होते वॉरेन हेस्टिंग्स पर आ गए, वॉरेन हेस्टिंग्स से आगे बढ़ते हुए फिर वो अचानक से आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त के बाद रेतवारी महलवारी, फिर डलहौजी पर आ जाते हैं, इकोनॉमी आगे पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बाद आप देखेंगे जो सोशल मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जिसको आप समाज और धर्म आंदोलन कहते हो, यानी सोशल लीडरशिप फॉर मूवमेंट, वो फिर आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो चैप्टर टू चैप्टर बढ़ते जाते हैं, एंड द डे द टॉपिक इज बीइंग फिनिश्ड, वो रियलाइज करते हैं कि भाई जो भी हमने पढ़ा वो सब तो हम भूल चुके। बच्चों इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं एक आपको बड़ा ही सटीक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आपने इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप कर लिया तो चाहे आपको जनरल स्टडीज का पेपर हो, ऑप्शनल का पेपर हो, या प्रीलिम्स का क्वेश्चन, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ऐसा आपको भान होगा। लेकिन इसे आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने क्या किया कि मॉडर्न हिस्ट्री को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, वो पहला पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पार्ट कुछ इस तरह का है, इसमें कुछ मैप्स हैं, पहले मैप्स से मैं आपको बताऊंगा, और मैप्स से बताने के बाद फिर आप इंट्रोडक्शन पर यहाँ पर आएं, तो आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी का हिस्ट्री ये पहला पार्ट है। अब पहला पार्ट में आप देख रहे हो कि ये जो पहला पार्ट है उसमें आधुनिक भारत तथा समकालीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित महत्वपूर्ण भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो पहला पार्ट आपको 18वीं सदी का पूर्वार्ध है। अब 18वीं सदी को भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, 18th सेंचुरी का पूर्वार्ध और 18th सेंचुरी का उत्तरार्ध। अब मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस तो कई बार देखने के बाद आपको घबराहट सी हो जाएगी, जबकि वैसा है नहीं। मतलब मैं जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में हमें कम पढ़ना है और जीएस में थोड़ा ज़्यादा जाना है। ऑप्शनल पेपर हम 1964 तक जाते हैं, नेहरू बिन एरा तक, और जब हम जीएस पेपर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन्होंने एक वर्डिंग का प्रयोग किया है कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर और वर्तमान युग तक। अब 2030 में जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आया था हमारे सामने, तो वर्तमान युग तक कभी कभी ये शंका होती कहीं ऐसा हो कि 1980 से क्वेश्चन पूछ डालें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 2013 के पेपर को देखते हैं, हम देखते हैं कि हाईएस्ट वो 1970s तक गए, यानी बांग्लादेश वॉर तक गए, उसके आगे वो नहीं गए, लेकिन 2013 के बाद धीरे धीरे वो पीछे ही बल्कि आ गए और वो नॉर्मली 60s से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, यानी हरित क्रांति वगैरह के इर्द गिर्द तक ही वो घूमते रहते हैं क्वेश्चन। लेकिन तो उसका जो पहला पार्ट हम देखते हैं, पहला पार्ट 18वीं सदी का इतिहास, और 18वीं सदी के इतिहास का दो पार्ट है, 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। हमारे सिलेबस में तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध से आरंभ होता है कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा सा पूर्वार्ध को जाने बिना उत्तरार्ध समझना मुश्किल होगा। इसलिए थोड़ा सा पूर्वार्ध पर ध्यान आप दें कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य पहले देखें, तो आप परिदृश्य में देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन तथा क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। अब 2017 के प्रश्न को उठाकर देखें, इसी मुद्दे से आपको प्रश्न पूछा है कि 18वीं सदी के मध्य में भारत में राजतंत्र का विखंडित रूप क्या था, मतलब वो मल्टी स्टेट सिस्टम पर जो बहुराज्य व्यवस्था 18 सेंचुरी का है उस पर क्वेश्चन पूछा है। अब वो थोड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि 18 सेंचुरी में जो मल्टी स्टेट सिस्टम इंडिया का हुआ वो एक डिक्लाइन था या नए युग की शुरुआत थी, ये हिस्टोरियन के बीच इन मुद्दे पर मतभेद है। हालांकि आपको उतनी गहराई में नहीं जाना, लेकिन आप जनरल स्टडीज़ में, हाँ ऑप्शनल पेपर में आप जा सकते हो, ऑप्शनल पेपर में तो जाना लाजमी होता है। अब पॉइंट नंबर बी है कि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, चूंकि उस काल में भले ही आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से बहुराज्य व्यवस्था कायम हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही है, संस्कृति की प्रगति हो रही है, मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा है परंतु मुगल संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। तो ये
18 सेंचुरी का पूर्वार्ध है। उसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि 18 सेंचुरी का उत्तरार्ध में हम बाद में जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न डाला है जो 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा था 2013 में, कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1768 में लड़ा गया था, क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी। अब देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछ रहा है, परंतु इसका इशारा पीछे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की तरफ भी रहा है कि क्यों अब एग्जाम हॉल में 10 या 12 मिनट्स में लिखना है, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, तो बच्चे इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसमें मैं क्या लिखूं। तो ये बहुत साधारण सी बात है कि जब भी उत्तर पश्चिम की सुरक्षा पंक्ति ध्वस्त हुई है तब तब आक्रमणकारी सेना को दिल्ली के निकट पहुंचना आसान हो गया है, और चूंकि पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार रहा है इसलिए पानीपत तक पहुंचना उनके लिए अपेक्षाकृत बहुत ही आसान रहा। तो खैर ये तो थोड़ा सा इसमें डिबेट है हल्का सा, जो अभी हम नहीं उसको डील कर सकते क्योंकि हमें बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ एक बार सिलेबस का की पूरी झलक देनी है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम 18 सेंचुरी के उत्तरार्ध में आते हैं। अब देखिए हम जब 18 सेंचुरी के उत्तरार्ध में आते हैं तो 18वीं सदी का उत्तरार्ध में आप पहुँच गए। यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, एक ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार जो कर्नाटिक वॉर और बैटल ऑफ पलासी के साथ शुरू होगा, ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गई, तीसरा मुद्दा देखते हैं किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफल रहे, और चौथा मुद्दा देखते हैं कि भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सके, क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी की दौर में ही जीता। ये थोड़ा हिस्टोग्राफी से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि ब्रिटिश ऐसा क्लेम करते हैं लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा है या नहीं। फिर नेक्स्ट वन है क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई, अब ये तो बहुत बड़ा क्लेम है जो कि क्लेम एक्चुअल में तो इसका खंडन ही करना होगा क्योंकि ये ब्रिटिश हिस्टोरियन का इंपीरियल हिस्टोरियन का क्लेम है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो इस बार 2017 में पूछा है, आप देखें कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित है। तो यहाँ जो बहुराज्य व्यवस्था कायम हुई है वो बहुराज्य व्यवस्था के क्या कारण है और राज्यों की स्थिति आपको दिखानी होगी, जो अगर थोड़ा सा आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके मानचित्र पर दिखा सके तो और भी बेहतर होगा। तो खैर चलिए 18वीं सदी वाला जो पार्ट है वो अपेक्षाकृत एक आसान पार्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत छोटा सा पार्ट है और 18 सेंचुरी में, लेकिन तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। अब बच्चों देखो मैंने क्या कहा कि 18 सेंचुरी के हिस्ट्री को हम चार पार्ट में, सॉरी आधुनिक भारत के इतिहास को हम चार पार्ट में बांट कर देखें। पहला पार्ट हमारा 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा पार्ट हमारा आता है उपनिवेशवाद, और तीसरा पार्ट आता है राष्ट्रवाद, और चौथा और लास्ट पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब स्वतंत्रोत्तर भारत का पार्ट। स्वतंत्रोत्तर भारत का पार्ट हमारा समकालीन इतिहास है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहना उचित नहीं है लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही दिया हुआ है तो उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के रूप में देख लेते, लेकिन उस समकालीन इतिहास को आप थोड़ा अलग मानकर चलें। अब जरा से यहाँ पर गौर करें कि जब उपनिवेशवाद का पार्ट है, बड़ा अच्छा पार्ट है वो, उसको तीन चरणों में आप बांट कर देखिए उपनिवेशवाद को, और उपनिवेशवाद को समझने के लिए उसकी एक परिभाषा आपको केवल याद रखनी होगी कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, इट वॉज बेसिकली एन इकोनॉमिक रिलेशन, किंतु यह राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता है, बट इट इक्वली अफेक्ट्स द पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर एज वेल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, और अब इसी डायग्राम से आपका पूरा एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप कैसे पढ़ते थे, पहले आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पढ़ते थे, उनके बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो जिस दिन आपका पुस्तक अध्ययन समाप्त होता उस दिन आप तथ्यों को भूल जाते। अब आप तथ्यों को नहीं भूलेंगे क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से लिंक है, और इस लिंक को अगर आप समझे तो समझिए कि अंतर चक्षु खुल गई, उसको किसी प्रश्न को हल करने में आपको समस्या नहीं होगी। जैसे देखिए हम पहले उपनिषद का पहला चरण लेते हैं और हम कालक्रम लेते हैं 1757 से 1813, मतलब कि हमें पहले 1813 तक का ही इतिहास कवर करना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है परंतु राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता है, यह डायग्राम मेरे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेगा, इंडिकेट करेगा। आप इसको गौर से देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ, उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, क्योंकि यही उद्देश्य नीतियों को प्रभावित करेगी। और उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का क्या उद्देश्य है, वो कंपनी बनकर आई थी, राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हुई, तो उसका उद्देश्य था कि भारत से ज्यादा राजस्व प्राप्त करें और उस राजस्व से हम अपने व्यापारिक हितों को पूरा कर सकें।
तो इसलिए आप देखिए यहाँ उद्देश्य है अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। क्योंकि पहले जो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करती थी, इसके लिए ब्रिटेन में उसे सोने और चांदी लानी पड़ती थी, और ब्रिटिश सरकार इस पर आपत्ति करती थी। अब जब उसे बंगाल की दीवानी मिल गई, तब तो वो किंग बन बैठी। अब बंगाल की दीवानी से जो रकम वो उसको प्राप्त हो रही है, उसी से वो चाहती है भारतीय वस्तुओं को खरीदे और लंदन से हम कीमती धातु मंगाना बंद कर दे। अब इस चरण में यही इसकी नीति है, तो इसके जितनी भी कार्य हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी इसी इस उद्देश्य का उसकी सारी नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए राजनीतिक नीति क्या है, तो राजनीतिक नीति में हमने आपको बताया घेरे की नीति, अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरे रखना। दूसरा आप देखते हैं प्रशासनिक नीति, कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। तीसरा आप देखते हैं आर्थिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा धन की निकासी। और चौथा देखते हैं सामाजिक नीति, भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं। और पांचवा देखते हैं सांस्कृतिक नीति, प्राच्यवाद पर बल दिया जाना। ये वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको विस्तार से देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ब्रिटिश को अधिक से अधिक निवेश करना है व्यापार में, तो चूंकि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यापार में निवेश करना है, तो उनका प्रयास यही है कि हम अपने खर्च में जहां तक संभव हो सके कटौती करें। इसलिए वो भारत में अपने दायित्व को बढ़ाना नहीं चाहते, अतः युद्ध भी लड़ना पड़ता है उन्हें, संधियां भी करनी पड़ती है, परंतु उनकी कोशिश होती है कि सैनिक खर्च कम हो। इसलिए आपने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने घेरे की नीति अपनाई। अब प्रशासनिक क्षेत्र में वो कोई ज्यादा जहमत मोल नहीं लेना चाहते, उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह करें, इससे अधिक कुछ नहीं, तो वो प्रशासनिक दायित्व को बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने पुराने मुगल प्रशासनिक ढांचे को ही कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखा। आप देखेंगे कि इस काल में अगर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में जो सुधार और परिवर्तन किए गए, वो या तो भू राजस्व के क्षेत्र में किए गए या फिर न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए, क्योंकि दीवानी न्याय भू राजस्व से संबद्ध था। जब तक वो दीवानी न्याय में परिवर्तन नहीं करते, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। तो इसलिए आप देखोगे इस काल में प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अब 1813 तक जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, उनके युद्ध और संधियां और प्रशासनिक सुधार, ये दोनों आप इन दोनों बिंदु दोनों पॉइंट्स में कर लोगे। आर्थिक में है, उस काल में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा, और इसकी वजह यह होगी कि ब्रिटिश जब बंगाल पर कब्जा करेंगे तो बंगाल के शिल्पियों पर अपने गुमास्तों या ब्रोकर्स के जरिए कठोर नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब चूंकि उन्होंने बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम का एक भाग ही व्यापार में निवेशित करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है इसका कितना बढ़िया उनका हक में प्रभाव हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहीं की वस्तुएं यहीं के पैसे से खरीद रहे हैं, तो वहीं से ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, धन की निकासी का आरंभ होगा। सामाजिक क्षेत्र में देखिए, अब तो उनको कुछ करना नहीं है, अब उन्हें हरे फिटकरी कुछ लगनी नहीं है, उनको यहाँ के रेवेन्यू से व्यापार में निवेशित करना है, तो अपने दायित्व को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा दायित्व बढ़ाने का मतलब है खर्च बढ़ना। और ऊपर से अगर सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो भारतीयों का को विभाजन बनेंगे, जिससे उनका कोई फायदा नहीं, जब फायदा होगा तो करेंगे, जो आप आगे देखेंगे। तो इस काल में तुम देखोगे कि सतियाँ जलती रही, बावजूद इसके ब्रिटिश ने उन्हें रोकने के लिए कोई सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए भी गंभीर प्रयास नहीं किया। और प्राच्यवाद उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, इस काल में जो अधिकतर अधिकारी आए वो प्राच्यवादी हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बल यह है कि भारत में हम परंपरागत ढांचे को ही बनाए रखें, इसमें कोई परिवर्तन ना लाए, तो इसलिए उन्होंने भारतीय अतीत और संस्कृति की ही प्रशंसा शुरू कर दी। अब नेचुरल है कि चूंकि उनका औपनिवेशिक हित भारत में निरंतरता को बनाए रखने में है, इसलिए वो भारत के अतीत और संस्कृति की प्रशंसा करके ही रुक जाते हैं, अपनी पहचान को बनाने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई हम बड़ा परिवर्तन यहाँ या अगर हम परिवर्तन की बात करेंगे तो उनके हक में नहीं है। तो हालांकि प्राच्यवाद में इसका एक कारण नहीं, इसके और भी पहलू हैं जो कई तरह से जुड़े हुए हैं, परंतु अगर आप मुख्य पहलू की बात पूछेंगे तो कहीं ना कहीं निरंतरता पर बल दिया जाना वह भी प्राच्यवाद से जुड़ा हुआ है, और विचारधारा कभी भी ब्रिटिश को अपने विशेष हिस्से पृथक नहीं रही। तो आप 1813 तक जब इन सबका विस्तार से करते हुए और तैयार करते हुए जब पहुंच जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देखो कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे औपनिवेशिक हित बदल रहे हैं, तो कैसे भारत के संबंध में ब्रिटिश नीतियां बदल रही हैं। ये आपको आगे के चरण में और भी स्पष्ट होगा। अब आप आए यहाँ पर औद्योगिक चरण में, तो अब औद्योगिक चरण पर थोड़ा सा नजर डालें तो देखिए, अब उपनिवेशवाद के तीन चरण हैं, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण।
तीनों चरणों में भारत के संबंध में ब्रिटिश, भारत के संदर्भ में ब्रिटिश का उद्देश्य बदला है और तदनुरूप उनकी नीतियां बदली है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। अब 1813 से अब 1858 तक आराम से बढ़ जाओ। हम अभी 1857 के विद्रोह की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद का विषय है। यहाँ हम केवल आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश के उपनिवेश, यहाँ केवल हमारा उद्देश्य उपनिवेशवाद का अध्ययन करना है। तो कैसे कैसे औपनिवेशिक नीतियाँ बदलती रही है ये हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे आप नज़र डालें ऊपर देखिए, अब यहाँ उद्देश्य क्या है, यहाँ उद्देश्य है भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयातक तथा कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना। क्योंकि अब देखो परिवर्तन आ चुका है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। लंकाशायर, मैनचेस्टर, ग्लासगो और बर्मिंघम में ब्रिटिश पूंजीपति स्थापित हो चुके हैं। अब ब्रिटिश पूंजीपतियों की इस बात पर आपत्ति है कि भारतीय जैसे एक समृद्ध क्षेत्र का पूरे बाजार का एकाधिकार एक कंपनी को क्यों मिले, और अगर कंपनी को व्यापार का एकाधिकार है तो हम अपनी औद्योगिक उत्पादों को कहाँ बेचें। अंत में जो ये कैपिटलिस्ट की लॉबी है इतनी स्ट्रांग थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को झुकना पड़ा, 1813 के चार्टर में भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोलना पड़ा। एक लैंडमार्क इवेंट है क्योंकि इससे ब्रिटिश की सारी नीतियां प्रभावित होगी। अब देखिए, अब उनका उद्देश्य बदल गया भारत के संदर्भ में। अब भारत को वो तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। देखिए कैसे उनकी नीतियां बदली। राजनीतिक नीति को देखिए, उनकी राजनीतिक नीति है साम्राज्यवादी प्रसार पर बल ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के आयातक के रूप में और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में बदलना है तो आप उन क्षेत्रों को भारतीय राज्यों के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भारतीय राज्य आपके हितों के संवर्धन के लिए उतना काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक साधारण सा तरीका अपनाया और वो तरीका यह था कि उन्होंने कोशिश की कि हम अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले। इसलिए गौर करिए इस काल में जो भी गवर्नर जनरल आए उनकी नीति साम्राज्यवादी रही, उनका उद्देश्य रहा कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को हम प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आए। तो अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इस प्रकार से यहाँ ब्रिटिश नीति में आपको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा और यही वजह है कि 1813 से लेकर 1856 तक भारत में जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आए उन सबों ने साम्राज्यवादी नीति पर बल दिया। डलहौजी को आप इसे पृथक करके नहीं देख सकते। प्रशासनिक नीति में देखिए, प्रशासनिक नीति क्या है, प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना। आप समझ सकते हो, आप भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में डेवलप करना है तो परंपरागत मॉडल तो नहीं चलेगा। तो इस काल में जो भी प्रशासनिक सुधार होंगे, जैसे भू राजस्व व्यवस्था में रेतवारी और महलवारी व्यवस्था लागू होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद का प्रभाव होगा। फिर आप उसके बाद देखेंगे तो आपको एक न्याय व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेंथम की विचारधारा न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने लगेगी, न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक में देखिए, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रभाव में यहाँ कृषि का व्यवसायीकरण होगा, क्योंकि अब कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन किया जाना है तो कृषि उत्पादों के रूप में कच्चे माल यहाँ से भेजे जा रहे हैं तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। भारतीय हस्त उत्पादों को धक्का पहुंचाना, अब भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का पहुंचना बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा अब लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगों से हो रही है। और उसके साथ आप देखेंगे रेलवे, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है डलहौजी या बहुत सारे गवर्नर जनरलों के द्वारा ताकि भारत ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में डेवलप हो सके, कच्चे माल के निर्यातक के रूप में डेवलप हो सके। तो देखिए रेलवे, टेलीग्राफ, डाक विभाग, सड़क मार्ग आदि का निर्माण हो रहा है, वो भी देखो औद्योगिक पूंजीवाद के हिस्से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखिएगा, समाज सुधार के लिए विधि निर्माण तथा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना। अब देखिए ये सामाजिक नीति है, ये सामाजिक नीति का संबंध इसे कितना डायरेक्ट है। अगर भारत ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित होना है तो बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे, समाज सुधार के लिए कानून बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि जब तक भारत में समाज सुधार नहीं किया जाता और उसके लिए कानून नहीं बनते तब तक भारत को परंपरागत मॉडल से भारतीय समाज को नहीं निकाला जा सकता, और जब तक भारतीय अपने परंपरागत ढांचे से बाहर नहीं निकलते तब तक वो अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। और अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म देना था जो केवल रक्त और जन्म में भारतीय हो, साथ ही रंग में, लेकिन अपने दृष्टिकोण में, अपनी नैतिकता में ब्रिटिश हो। तो देखिए ये जो बदलाव आ रहा है उसका सीधा संबंध इकोनॉमिक और औपनिवेशिक हित से है। और लास्ट में आप देखेंगे उदारवादी तथा उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति तथा भारत पर उसका प्रभाव। अब देखिए पहले जहां हमने प्राच्यवाद देखा था अब आ गए उदारवादी और उपयोगितावादी चिंतक, इनका दृष्टिकोण अलग है। अब भारत में सुधार और परिवर्तन की जरूरत है, भारत में सुधार और परिवर्तन आवश्यक है ताकि भारत ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित हो सके। तो देखिए इन चिंतकों को, इन चिंतकों ने अपनी पूरी वाणी बदल दी, इन्होंने अपना पूरा पहले का
सारी रणनीतियां ही बदल दी। पहले के चिंतक जहां निरंतरता की बात करते थे, अब ये परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति सरी गली और प्रगतिहीन संस्कृति है, उसमें सुधार और परिवर्तन की जरूरत है, और ब्रिटिश हस्तक्षेप से उसमें सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार से देखिए कि ये जुड़ी तो हुई है आर्थिक बातों से, लेकिन उसका औपनिवेशिक उद्देश्य है, लेकिन उसकी तात्कालिक राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति से क्या संबंध है? अब आप इस क्वेश्चन के साथ न्याय कर पाओगे कि डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, अगर यह समझ आपकी डेवलप्ड है तो। अब थोड़ा मैं आपको आगे ले चलूँ। आगे आप देखिए, हम आ जाते हैं वित्तीय चरण पर। तीसरा चरण यही वित्तीय चरण है। अब ये तीसरा चरण वित्तीय चरण है, तो इस चरण में देखिए उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय चरण 1858 तथा उसके पश्चात, मतलब कि आप इस चरण को 1947 तक आप ले जा सकते हैं। ध्यान रखें, हम अभी राष्ट्रवाद पर नहीं आए हैं, राष्ट्रवाद पर हमारा मुद्दा अलग होगा। अब यहाँ उद्देश्य देखिए, यहाँ उद्देश्य एक की जगह हमने तीन दिया है, चूंकि मजबूरी है कुछ। पहला तो भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना, चूंकि जब औद्योगिक क्रांति और वित्तीय चरण में पहुंच गए ब्रिटेन में, तो क्या हुआ कि वित्त का संचय हुआ और उधर पूंजीगत और भारी उद्योगों की भी स्थापना हुई। तो अब समस्या ये खड़ी हुई कि उस वित्त का निवेश कहाँ किया जाए। तो सोचा गया कि अगर हम वित्त को उपनिवेश में निवेश करते हैं तो आम क्या और गुठलियों के दाम, क्योंकि अगर हम वित्त को निवेश करते हैं उपनिवेश में तो यहाँ पर लेबर चीप है, और लेबर चीप है तो जाहिर है कि यहाँ पर कैपिटल पर हमें रिटर्न ज़्यादा आएगा। 1858 के बाद देखेंगे भारत में बड़ी मात्रा में पूंजी का आगमन हुआ, ब्रिटिश पूंजी का, रेलवे, टेलीग्राफ, जहाजरानी उद्योग, चाय और कॉफ़ी बागान, माइनिंग उद्योग, विभिन्न सेक्टर्स में वो पूंजी लगी। उसके बाद 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना, 1857 का रिवोल्ट भी हो चुका है, तो उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी सुधार और कुछ सर्टेन सुधार और परिवर्तन करना आवश्यक था। फिर अन औद्योगिक शक्तियों की चुनौतियों को देखते हुए भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना, एक्चुअली अब बदलाव आ गया है। इनफैक्ट 1813 के बाद, या आप कह सकते हो अर्ली 19th सेंचुरी में, ब्रिटेन एकमात्र औद्योगिक देश था, उसे दूसरे औद्योगिक देश के साथ खतरा नहीं था। परंतु अब औद्योगिकरण में कई देश आगे आ चुके हैं। एशिया में जापान ब्रिटिश को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं, उधर यूरोप में जर्मनी उससे आगे निकल चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑलरेडी उसके आगे चल रहा था। तो अब ब्रिटेन एक तरह से नहीं तो विश्व में औद्योगिकरण में तीसरी शक्ति बन चुकी है, और एशिया में उनको जापान की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, रूस भी औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसलिए अब ब्रिटेन भारत को लेकर बड़ा असुरक्षित फील कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि दूसरे औद्योगिक देश कहीं भारत पर कब्जा करने का प्रयास ना करे। उस इस पहलू ने भी, इस समझ ने भी, या इस उद्देश्य ने भी ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया है। अब देखिए कैसे सारी नीतियां बदल रही हैं। आप राजनीतिक नीति को देखिए, तो राजनीतिक नीति में आप देखते हैं कि भारत पर विस्तारवादी नीति को छोड़ा गया तथा बदले में अप्रत्यक्ष प्रसार पर बल दिया गया। यानी 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई, और आपने बगुला भगत की एक कहानी सुनी होगी, एक बगुला ने अंत में कंठी धारण करके निरामिस होने का नाटक किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भी कुछ इसी तरह का है कि ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि हम अपना विस्तार भारत हिंदुस्तान में छोड़ रहे हैं, और भारतीय राज्यों के साथ हमारे जो भी समझौते हुए हैं, करार हुए हैं, जो कंपनी और भारतीय राज्य के बीच हुए हैं, उन्हें ब्रिटिश क्राउन सम्मान करेगी, उसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यही समय है कि ब्रिटिश ने भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। उनकी वास्तविक स्थिति सामंतों की तरह हो गई, क्वीन विक्टोरिया साम्राज्ञी बन गई। लिटन के समय राजकीय उपाधि अधिनियम लाकर उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उनका दिल्ली दरबार लगा, जितने भारतीय राज शासक हैं वो सामंत के रूप में उनके दरबार में बैठे। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो मैं इतना विस्तार से यहाँ आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल। प्रशासन के क्षेत्र में आप देखते हो इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार लाना जिससे 1857 के विद्रोह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। अब हियर यू कैन सी कि 1857 की में के बाद इस तरह से प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने की बात की गई जिससे कि फिर 1857 के रिवोल्ट की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। इसी काल में आप देखोगे कि बहुत सारे सुधार हुए हैं, जैसे भारत सचिव के ऑफिस का सृजन हुआ है। आप कह सकते हो कि भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, सैनिक नीति में परिवर्तन लाया गया, सिविल सेवा व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, स्थानीय स्वशासन का विकास किया गया। तो बहुत सारे परिवर्तन आपको इस क्रम में देखना चाहिए तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। फिर आर्थिक नीति में देखते हो कि भारत में बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन परंतु औद्योगिकरण के लिए प्रयास नहीं। अब देखिए, एक तरफ भारत में ब्रिटिश पूंजी आ रही है और ब्रिटिश पूंजी विभिन्न सेक्टर में लग रही है और इसका उद्देश्य है मुनाफा कमा कर जाना है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो कि भारत में औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया जा रहा है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक दूसरी दिशा पकड़ ली। वो दूसरी दिशा देखोगे कि भारत का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो पिछड़ गया और टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ गया। हमें जहाँ तक ध्यान है कि 2013-14 में एक बार UPSC में इकोनॉमी वाले पार्ट में क्वेश्चन ही पूछा था कि भारतीय उद्योग द्वितीय अवस्था में पहुँची बिना सीधे तृतीय अवस्था में पहुँच गए, या औद्योगिक क्षेत्र को पार किए बिना सीधा सेवा क्षेत्र में पहुँच गए। इसका पहली नींव यही बनी। मतलब एक तरह सब समझिए तो उस समय के लिए तो अर्थव्यवस्था की विकलांगता ही थी, आज तो समझ सकते हो कि उसी विकलांगता को हमने अपनी ताकत बना ली, लेकिन उस समय हमारा जो औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका पिछड़ जाना और बदले में टर्शियरी सेक्टर का आगे बढ़ जाना, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीति का परिणाम था। और जो रकम वो भेजी उन्होंने कोई यहाँ पर तो सेवा करने के लिए या कोई चैरिटी के लिए नहीं भेजा था, बल्कि जो रकम उन्होंने एक हेवी इंटरेस्ट पर भेजा था, जो हेवी इंटरेस्ट के साथ जो लौटता था वो होम चार्जेज का रूप ले लिया और उसने हमारी इकोनॉमी को बहुत बर्डेन कर दिया। इसमें होम चार्जेज के पूरे स्वरूप को समझना, होम चार्जेज और ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या संबंध है, क्या पूरा का पूरा होम चार्जेज ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। और यहाँ पर विशेषकर हिस्टोग्राफी एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब सामाजिक नीति में आप देखते हैं 1857 के विद्रोह से घबराकर सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाना, दैट्स ट्रू, क्योंकि यही समय है कि उन्होंने अब जो भी समाज सुधार के लिए पहले उन्होंने प्रयास किए थे उन सारी नीतियों में उन्होंने तब्दीली ला दी और अब वो समाज सुधार के प्रति उतना इच्छुक नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि समाज सुधार करने का मतलब है कि भारतीयों का को भाजन बनना। इसलिए इसके बाद बच्चों देखोगे 1858 के बाद ब्रिटिश के द्वारा अगर सुधार किए गए तो स्वेच्छा से नहीं किए गए बल्कि भारतीय राष्ट्रवादियों के दबाव में किए गए, जैसे बी एन मालावारी के दबाव में 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया। ये विजन को भी क्लियर होना आवश्यक है। और लास्ट में देखते हो सांस्कृतिक नीति में कि आरंभ में ब्रिटिश के द्वारा नस्लवादी विभाजन पर बल दिया जाना तथा फिर सांप्रदायिक विभाजन पर बल। मतलब ये देखोगे एक बड़ा लंबा टॉपिक है 1947 तक, इसमें अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो किस तरह से भारतीय समाज को विभाजित कर रही है। ये जो तीनों चरण आप कवर कर लोगे तो आपको उपनिवेशवाद का पार्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन उपनिवेशवाद का पार्ट पूरा होना ही अपने आप में काफी नहीं है, फिर आपको राष्ट्रवाद की दिशा में मुड़ना होगा। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा डायग्राम है, क्योंकि राष्ट्रवाद का टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरे विचार में राष्ट्रवाद के टॉपिक को, हाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप उपनिवेशवाद के तीनों चरण को कवर कर लेंगे तो उस तीनों चरण को कवर करने के बाद आपके साथ एक बेहतर स्थिति ये होगी, उस पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप 2013 के बाद 17 तक का क्वेश्चन उठाइए और एक के बाद एक क्वेश्चन को आप हल करते हुए निकल जाइए। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2014 में पूछा था कि मध्य 18वीं सदी से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीति तथा उसके प्रभाव को निर्देशित कीजिए। तो केवल बच्चे उपनिवेशवाद के तीनों चरणों में जो ब्रिटिश का उद्देश्य है उसको हवाला देते हुए और कैसे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है उसको अगर आप एक एक दो दो लाइन में दिखाते हुए चले जाएं तो आपका उत्तर बहुत ही प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर समझ के आधार पर लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पुस्तक से तथ्यों को उठाते हो और कॉपी पर डाल देते हो, पुस्तक और कॉपी के बीच एक आप कह सकते हो कि एक मध्यस्थ है वो आपका मस्तिष्क, जो पुस्तक से लेता है अपने दिमागों में अवधारणा के रूप में उसको ढालता है और फिर आपकी अवधारणा उत्तर में निकलती है। ऐसा नहीं कि बुक से सीधा कंटेंट निकलकर और उत्तर की पुस्तिका पर चला जाएगा, वो तो सिविल सेवा में संभव ही नहीं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, तथ्यों को इस तरह से दिमाग में घुलाएं, इस पर सोचें। मेरा यहाँ प्रिंसिपल है रीड थिंक एंड फील, आपको रीडिंग करनी है उसके साथ फील करना है, अगर जब तक आप फील नहीं करोगे आपके दिमाग में उसकी छाप नहीं छूटेगी, और फिर उसके साथ थिंक करना है, और जब आप रीड के साथ फील और थिंक करोगे फिर आपको राइटिंग का स्टेज नेचुरली आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब देखो बच्चों ये राष्ट्रवाद का एक बड़ा सा भाग है, तो इसे हम लेते हैं। अब यहाँ पर इसको भी हम कई चरणों में बांट कर देखते हैं। एक है आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन, तो जो आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको पहले पार्ट में हमने रखा, पहले पार्ट में इसलिए रखा कि देखिए अब भारतीय राष्ट्रवाद तो अपने आप में बहुत ही, आप मेरे एक साइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर 2.5 घंटे का मेरा एक लेक्चर है केवल राष्ट्रवाद पर, आप द स्टडी के साइट पर जाएं आप वहाँ देखें, और वैसे आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद को हमने देखा है यूरोप से एशिया आते हुए कैसे कैसे उसके स्वरूप में परिवर्तन आया, तो उसकी समझ होने के बाद ये टॉपिक आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। अब देखिए ब्रिटिश के विरुद्ध जो आरंभिक प्रतिक्रिया हुई देसी थी और इसमें जनजातीय और किसानों ने प्रमुख भूमिका निभाई, ये भी एक सुखद आश्चर्य का विषय है कि ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध चुनौती देने वाला जो पहला समूह था वो हमारे तथाकथित असभ्य लोग थे।
अशिक्षित लोग थे जिन्होंने इस तरह का प्रतिरोध दिया और उन्होंने एक मिसाल कायम की। और सबसे बढ़कर जिस समय हमारे जो तथा कथित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति या शिक्षित लोग ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, उस समय इन्होंने प्रतिरोध की का झंडा उठाया था। तो आज राष्ट्रवादी में यहाँ पहले हम डील करते हैं 19वीं सदी का जनजातीय एवं किसान आंदोलन और 19वीं सदी का, अच्छा इसको डील कर लेते हैं इन 19th सेंचुरी का। अब यहाँ पर चूंकि जगह की कमी के कारण कोई भी डायग्राम कहीं से आ रहा है, तो अब हम 1857 के महाविद्रोह को बीच में रखते हैं क्योंकि इसको तय करना मुश्किल है। वैसे उसको पहचान भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हो चुकी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, फिर भी इसको हम आधुनिक राष्ट्रवाद के समकक्ष नहीं रख पाते, इसलिए 1857 के महाविद्रोह के टॉपिक को हम मध्य में रखते हैं और आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन को फिर हम तीसरे में रखते हैं। और आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन में हम ये मुद्दा उठाते हैं जिसमें एक है 19वीं सदी का समाज एवं धर्म आंदोलन, क्योंकि यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अब ये डायग्राम नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, चूंकि 19वीं सदी का जब समाज और धर्म आंदोलन आप पढ़ोगे तो वहाँ पाओगे कि उसमें दोनों तत्व हैं, एक तरफ उसमें पाश्चात्यवादी तत्व भी है और दूसरी तरफ उसमें देसी तत्व भी है। देसी तत्व में आप परंपरावादी तत्व कह लो, क्योंकि इसको कहा भी जाता है इम्पैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा। जैसे हमारे बुद्धिजीवी जब भारत पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए तो उसे काफ़ी प्रभावित हुए और उसको उन्होंने विकास का एक आदर्श मॉडल माना, लेकिन जब वो पश्चिमी संस्कृति के अंदर आए थोड़ा और ब्रिटिश के व्यवहार और आचरण का भी अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्होंने पाया कि बहुत बड़ा डाइकोटोमी है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा विभाजन है, विभेद है। और वो विभेद क्या है, तो एक तरफ जो ब्रिटिश है वो बोलते तो बड़े ऊंचे हैं लेकिन करते वैसे नहीं है, मतलब कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो उनके मन में एक प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में उन्होंने अपनी परंपरा की तरफ देखा। इसलिए कहा जाता है कि 19वीं सदी का समाज तथा धर्म आंदोलन, इस पर प्रभाव भी और प्रतिक्रिया भी है। राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में दो मकान, एक में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी था तो दूसरे में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी था। तो अब इन दोनों तत्वों से एक पाश्चात्यवादी तत्व निकल के आएगा तो कांग्रेस का उदारवादी चरण बनेगा, और अगर परंपरावादी तत्व निकल कर आएगा तो कांग्रेस का उग्रवादी चरण बनेगा। अब यहाँ से अगर आप लेकर चलेंगे तो यहाँ से आप कांग्रेस का उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण, इन दोनों की अपनी शक्ति और सीमाएं हैं जो डिटेल्स में आप देखेंगे, लेकिन दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी कि दोनों का सामाजिक आधार अभी जातीय है, मतलब वो आंदोलन में कॉमन पीपल को अपने साथ नहीं जोड़ सके। तो इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है कि परंतु राष्ट्रीय आंदोलन का आधार अभी जातीय बना रहा। अब यहाँ से गांधी का आगमन दिखाया जाता है और गांधी को आगमन को पीछे जनजाति और किसान से इसलिए जोड़ा गया ताकि सिम्बोलिकली आप समझ ले कि गांधी आए इसका मतलब कि आंदोलन जनसामान्य को लेकर आए। तो इसका परिणाम हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद को जनाधार मिला किंतु उसका स्वर्ण सवर्ण ही बना रहा। अब गांधी का प्लस पॉइंट यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक आधार देने में गांधी की अहम भूमिका रही, परंतु कहीं कहीं ऐसा खटकता है कि गांधी में कहीं ना कहीं हिंदूवाद या सवर्ण हिंदुत्व का टिंज रह गया, क्योंकि गांधी जब कई बार चर्चा करते हैं तो उसमें सवर्ण तत्व जैसी चीज़ कुछ लगने लगती है। इसलिए तुम देखोगे कि नॉर्मली जब गांधी का स्वर जब थोड़ा सा हिंदूवादी या सवर्ण हिंदू का हुआ तो धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, और फिर उसी समय निम्न जाति के नेता भी आ गए। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया कि 20वीं सदी के आरंभ में निम्न जाति आंदोलन का विकास था भीमराव अंबेडकर, पेरियार नायकर एवं श्री नारायण गुरु जैसे नेताओं की भूमिका, और यहाँ से एक डायग्राम आया और दिखाया कि राष्ट्रवादी आंदोलन का सवर्ण आधार कमजोर हुआ तथा इसका स्वरूप अधिक समावेशी हुआ। मतलब कि गांधी ने जनसामान्य को अगर आंदोलन से जोड़ा तो भीमराव अंबेडकर से लेकर पेरियार नायकर ने समाज के निम्न वर्ग को जोड़ा। तो अब देखो अब हमारा राष्ट्रवाद और भी ज़्यादा समावेशी हुआ। फिर 1920 तथा 1930 के दशक में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों की भूमिका, और वहाँ से एरो को लेकर आते हो यहाँ मिलाते हो तो नीचे बनता है भारतीय राष्ट्रवाद पहले की तुलना में कहीं अधिक समावेशी हो गया, क्योंकि किसानों के साथ साथ श्रमिकों की भी भागीदारी बढ़ी, क्योंकि अब इस समावेशी बनाने में समाजवादी और साम्यवादियों की भी भूमिका है। और लास्ट में हमने एक मुद्दा उठाकर छोड़ दिया, क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है, क्योंकि आज भी यह समावेशी राष्ट्रवाद हो सका है। आप अगर जोश में हाँ बोल दे तो आप ध्यान रखें कि अभी भी 8 से 9 स्टेट में जो नक्सल है वो गन लेकर खड़े हैं, तो कभी भी कोई भी राष्ट्र पूरी तरह समावेशी तो नहीं हो सकता, लेकिन जो 19th सेंचुरी में हम राष्ट्रवाद का स्वरूप देखते हैं और 20th सेंचुरी में देखते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत में देखते हैं, तो उसके स्वरूप में निश्चय ही अंतर आता रहा। बच्चों एक एक टॉपिक को तो विस्तार से करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक आउटलाइन दिया। जैसे 2017 के ही क्वेश्चन को देखो तो एग्जैक्टली तो क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन मुझे ध्यान है कि वो पूछता है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्वप्न दृष्टि में नए उद्देश्य जुड़ गए।
अब नए उद्देश्य में आर्थिक उद्देश्य भी जुड़ेगा और सामाजिक उद्देश्य भी जुड़ेगा। आर्थिक उद्देश्य में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन आ जाएगा और सामाजिक उद्देश्य में महिलाओं की भूमिका आ जाएगी आंदोलन में, और उसके अलावा निम्न जाति आंदोलन की भूमिका आ जाएगी भीमराव अम्बेडकर से पेरियार नायकर तक। तो आज की तारीख में उत्तर लिखने में समझना बहुत आवश्यक है, और समझने के लिए हमको बेसिक्स से चलना पड़ेगा। लेकिन हम बेसिक्स पर नहीं रुक सकते और ना ही हम चैप्टर टू चैप्टर केवल बढ़ के समझ सकते जब तक उन चैप्टर्स के बीच का लिंक नहीं रहेगा। और तब आप आते हो समकालीन भारत में, और जब समकालीन भारत में आते हो तो यहाँ पर आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वो डेवलप होने का पूरा स्कोप बनता है। और वह कैसे, तो देखिए अब यहाँ पर स्वतंत्रोत्तर भारत में अगर हम सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बिंदु में बांट कर देखें तो हमारा यहाँ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि स्वतंत्रोत्तर भारत में राष्ट्र निर्माण हमें मूलतः देखना है, पहले हमें देखना है कि हमारे सामने चुनौतियाँ क्या थी। तो पहली चुनौती विभाजन, हिंसा एवं दंगे तथा भारत की राजनीति एवं विदेश नीति पर इसका प्रभाव। देखो बच्चों, एक्चुअली पहले क्या था कि पहले जब हम पार्टीशन की बात करते थे, यू आर मेनली टॉकिंग अबाउट द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, हु वॉज अकाउंटेबल बिहाइंड द पार्टीशन एंड हु वॉज द विलेन और द सोल कल्प्रिट व्हिच कॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बट नाउ द होल डिबेट हैज मूव्ड एल्सवेयर। अब जो पूरा का पूरा डिबेट है दूसरी तरफ मूव करने लगा, विशेषकर जब सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी, जो अभी मैं यहाँ बता नहीं सकता, उसका विकास हुआ, तो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ने बल दिया कि हम पार्टीशन के कारणों पर चर्चा न करके पार्टीशन के परिणाम पर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पार्टीशन के परिणाम पर चर्चा करने से एक तो हमें यह पता चलता है कि पार्टीशन में किसने दुख भोगा, एलिट क्लास ने भोगा या जनसामान्य भोगा। दूसरी बात है, इसने लोगों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पैदा किया। आज भी आप देखते हो, एक क्वेश्चन इस वर्ष भी आपको 2017 में पूछा है कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें भारत का जो धार्मिकता और सांप्रदायिकता में तब्दील हो गई, धार्मिकता और सांप्रदायिकता में अंतर क्या है। तो खैर चलिए, इसको तो यहाँ डिटेल्स में करना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इशारा मैं आपको कर दूँ कि देखिए, अब अगर धर्म हमारा व्यक्तिगत विश्वास है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने जीवन के सारी कारगुजारियों का आधार अपनी धार्मिक पहचान को अगर बना लेता हूँ तो वो संप्रदायवाद है। जैसे देखो, अब अगर मैं पूछूं कि भाई आप कौन हैं, तो आप कहो कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, इसका मतलब है सांप्रदायिक है आप, क्योंकि आपकी तो 10 पहचानें हैं। तो आप उन सारे पहचानों को छोड़कर केवल एक पहचान की बात क्यों की। ये जो पहचान का कॉन्शसनेस आया, वो पार्टीशन ऑफ इंडिया ने उसको और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि उसमें पारस्परिक घृणा बढ़ी, आपस में विद्वेष बढ़ा। तो ये दूसरी बात है, आपकी विदेश नीति पर इसका क्या इम्पैक्ट है। आज साउथ एशिया में जो आप देखते हो कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश या साउथ एशिया की अन्य समस्याएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ इंडिया है, चाहे रोहिंग्या की समस्या हो या चकमा शरणार्थियों की समस्या हो। तो इम्पैक्ट का अध्ययन मैं ये मानकर चलता हूँ कि आज न कल, वजीरा जमींदार नामक लेखक ने इसको हाईलाइट किया था शुरू में 2008 में ही, इस पहलू पर ध्यान विशेषकर इंगित किया है, और मैं मानकर चलता हूँ किसी भी वर्ष आपको पार्टीशन के इम्पैक्ट पर क्वेश्चन पूछ देगा और पूछना चाहिए उसको। दूसरा, आप देखते हो देसी रियासतों का विलय एवं राष्ट्र निर्माण, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें केवल वल्लभ भाई पटेल के रोल जानने से नहीं है, जन आंदोलन का रोल भी उसमें समझना पड़ेगा, जो आप यहाँ पर मैं उसको नहीं समझा सकता डिटेल्स में, लेकिन एक चीज़ बता सकता कि इसलिए इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान एवं भारत के विभाजन के बाद जितना भूभाग हमने खोया था उससे ज़्यादा भूभाग हमने प्राप्त कर लिया देसी रियासतों के विलय से। फिर तीसरा मुद्दा बनता है एक नए संविधान के माध्यम से एक औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में रूपांतरण। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि अगर हमारे सामने 1935 के भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम का दस्तावेज नहीं होता तो 3 वर्षों में भारत के संविधान का निर्माण संभव नहीं था। अब वहाँ पर देखो, संविधान निर्माण यहाँ आपको इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण करने का बड़ा ही बेहतर मौका है, क्योंकि आप संविधान का निर्माण देख रहे हो। अब नॉर्मली आप पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ते हो, संविधान के लक्षण पढ़ते हो, विशेषताएं पढ़ते हो, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, और उसके प्रीएम्बल से लेकर बाकी चीज़ें या फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशूज पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि जब हमारे यहाँ संविधान निर्माण हो रहा था उसका प्रोसेस क्या था, नेताओं की भूमिका क्या थी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्या था। फिर जब हमें आज़ादी मिली तो
अब कह सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी प्राप्त करने वाले हम पहले देश थे, लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारे यहाँ भी एक दो वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी और समकालीन श्रीलंका में भी शुरू हो गई थी, इंडोनेशिया में भी शुरू हो गई थी, फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी जब देश स्वतंत्र हुए, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो सब ने अपने अपने संविधान बनाए। तो इनके संविधान क्यों फेल कर गए, हमारे संविधान क्यों सक्सेसफुल हुए? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के संविधान के साथ भी आप भारतीय संविधान की तुलना कर सकते हो। फिर संविधान भारत का जो निर्माण हुआ तो हमारे सामने कि वर्ल्ड के कौन कौन से आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके क्या लक्षण थे, वो किन परिस्थितियों में बने थे। केवल हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ की तुलना करें तो ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ और भारतीय संघ का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 राष्ट्र मिलकर एक राष्ट्र बनाया था और हमारे यहाँ एक राष्ट्र टूटकर पहले तो कई थे लेकिन बाद में चलकर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 1956 में वह 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने थे। तो हमने एक राष्ट्र को काट काट कर प्रांत का रूप दिया और अमेरिकी लोगों ने 13 राष्ट्रों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा और इसलिए उनको एक गृहयुद्ध भी लड़ना पड़ा। तो वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब तक हम परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों संविधान को समझने का आपको बेहतर मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छा है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आपका डेवलप करेगा। फिर भारतीय राष्ट्र के बहुलवादी चेत की समझ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की नीति, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको भारतीय संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा, जिसको आप विविधता में एकता कहते हो। कई बार क्वेश्चन कल्चर से होता है लेकिन अगर जब तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री की और कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री की जानकारी नहीं तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे जहाँ तक मुझे याद है 2015 में एक क्वेश्चन था संस्कृति में कि भारतीय संस्कृति की विविधतामूलक 4 कारकों को निर्धारित कीजिए और भारत के राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान रहा। तो अब राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे सामने पहली चुनौती क्या थी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अगर हम भी पाकिस्तान के रास्ते और श्रीलंका के रास्ते पर चले होते तो क्या होता। जिन्ना ने बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, तब तक वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पहली यात्रा की स्वतंत्रता के बाद और बंगाली लोगों को चेताया कि आप लोग बंगला भूलकर जितनी जल्दी उर्दू को सीख ले उतना बढ़िया है। परिणाम हुआ स्वतंत्र बांग्लादेश। 1956 में जब हमने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया और लोगों की भाषाई पहचान को स्वीकृति दी, उसमें श्रीलंका ने श्रीलंका में सिंगली भाषा को जबरन तमिलों पर थोपा गया था। परिणाम श्रीलंका में गृहयुद्ध आप देख रहे हो। तो यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक नीति हो बनी है, आज देखिए नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, चुनौतियाँ हो रही हैं, लेकिन चुनौतियाँ दी जा रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, उनकी कमियों को उद्घाटित किया जा रहा है, लेकिन बच्चों उनकी सांस्कृतिक नीति कितनी सफल रही उसका ज्वलंत उदाहरण आज भी। अब उन लोगों को जो सामंतवाद तथा उपनिवेशवाद की चक्की में पीसते रहे थे, सामाजिक न्याय प्रदान करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महिलाओं के न्याय सुरक्षा देने के लिए क्या किया गया, सोशल जस्टिस के क्रम में आप देखेंगे दलित वर्ग के लिए क्या किया गया, मुसलमानों के लिए क्यों न किया गया स्वतंत्रता के बाद, और बैकवर्ड कास्ट के फेवर में उस समय तत्काल क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया। तो सब कुछ समझने का यहाँ पर मौका मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट वन, भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना, कृषि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन, हरित क्रांति, सिंचाई का विकास, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल एवं आर्थिक नियोजन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको नेहरूवादी आर्थिक मॉडल समझने का मौका मिलेगा। मैंने अभी कुछ बुक रिव्यू भी दिया है अपने साइट पर, उसमें अभी मेघनाथ देसाई चूँकि एक अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने नेहरूवादी आर्थिक मॉडल की जो विशेष रूप से आलोचना की है उस पहलू को भी उजागर किया है। लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर आप नेहरूवादी आर्थिक मॉडल से वर्तमान नवोदारवादी आर्थिक नीति को जोड़कर बेहतर ढंग से आज के वर्तमान को भी आप समझ सकते हैं। अब स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत की पहचान को स्थापित करना, ये 4 दशकों की जो आरंभिक विदेश नीति है वही तो हमारी विदेश नीति का फाउंडेशन है। आज कितना भी कुछ है लेकिन हम लोग नॉन अलाइनमेंट के इम्पैक्ट से नहीं उबर पाए, उसका तो ज्वलंत उदाहरण है कि हमारी सरकार इजराइल के साथ बहुत आगे बढ़ गई थी परंतु अंत में फिर उसको UNO में फिलिस्तीनी के पक्ष में वोटिंग करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम अपने पुराने संस्कार से आज भी नहीं उबर पा रहे हैं। तो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि भारतीय विदेश नीति का फाउंडेशन बना था, कैसे उसमें बदलाव आया, नेहरू से लेकर श्रीमती गांधी तक, बीच में लाल बहादुर शास्त्री ने भी कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया हालांकि बड़ा शॉर्ट लिफ्ट पीरियड है, और वहाँ से होते हुए आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये जब 4 को आप विभाजित करके देखेंगे तब आपका अंतर चक्षु खुल जाएगा
उसके बाद अगर आप डेटाज का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है, अन्यथा आप अगर केवल डेटा पर जाएंगे, उनका आंतरिक संबंध अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरे विचार से आप इस विषय में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, किसी भी विषय में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये तरीका तो हर विषय को पढ़ने का होना चाहिए कि जितना ही ज़्यादा टॉपिक टॉपिक आपका इंटीग्रेशन होगा उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे। अब बच्चों हम आपको फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, उसमें मैं विश्व इतिहास पढ़ने के बारे में आपको बताऊँगा, फिर एक मैं अलग सेशन आपको क्वेश्चन राइटिंग पर सेशन दूंगा किस तरह से किया जाए।